गाजा में हमलों के बीच इजराइल पर लग रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को देखते हुए यूएन ने उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने इजराइल के अलावा हमास और फिलिस्तीनी जिहाद को लिस्ट ऑफ शेम यानी शर्मनाक सूची में शामिल किया है। यूएन सेक्रेटरी के ऑफिस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ यह लिस्ट फाइनल की। इसके बाद इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दन को इसकी जानकारी दी गई। जंग के बीच गाजा में बच्चों पर हो रहे जुल्म को देखते हुए यह फैसला किया गया है। यह फैसला पहली बार है जब इजराइल और हमास में शामिल करके जोड़ा गया है।